विपक्ष देखिए, सबसे पहले तो मुझे मतलब संख्या बल के आधार पर देखें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास आज की तारीख में वो संख्या बल नहीं है जिससे कि राष्ट्रपति चुनाव या अगले माह महीम को चुनने में कोई हम लोग की संख्या बल के हिसाब से कोई भूमिका हो सकती है। बट हाँ, यकीनन एक राजनीतिक दल होने के नाते बिहार में 6% के लगभग जिस पार्टी को मत मिला हो, 25 लाख से ज़्यादा लोगों का विश्वास जिस पार्टी में रहा हो, उसके नाते यकीनन नैतिकता भी एक आधार बनता है कि हम लोग एक ऐसे उम्मीदवार का हम लोग समर्थन करें जो आने वाले दिनों में देश का नेतृत्व करे और देश के सही दिशा में लेकर जाने का काम करे मां महिम के पद पर बैठकर। तो यकीनन उसमें हम लोगों की भी भूमिका होगी। हम लोग भी एक ऐसे राष्ट्रपति का चयन करना चाहेंगे, पर क्योंकि अभी प्रत्याशियों के नाम आने बाकी हैं, उम्मीदवार कौन होंगे, क्या एक ही संयुक्त उम्मीदवार होंगे या सत्ता पक्ष अपना देगी और विपक्ष के द्वारा कोई और नाम आएगा, तो एक बार जब वो नाम सामने आते हैं उसके बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी चर्चा कर अपना समर्थन सत्ता पक्ष हो जाएगा या विपक्ष हो जाएगा, ये प्रत्याशी के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन उम्मीदवार हैं जो सही में देश का नेतृत्व कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हाल फिलहाल के दिनों में प्रधान राष्ट्रपति के पद को, प्रेसिडेंट के पद को एक डमी पद की तरह दिखाने का प्रयास किया जाता है। ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। जिस तरीके से राष्ट्रपति के अपने विशेषाधिकार होते हैं, संविधान ने जो राष्ट्रपति को अधिकार दिए हैं देश को सही दिशा में लेकर जाने की एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, तो ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति का चयन होना जरूरी है जो अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाए। जदयू ने कहा इस पर बोलने का अधिकार आपको फिलहाल नहीं है क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा है नहीं। नहीं, मैंने तो खुद अपने वक्तव्य को रखने से पहले मैंने इस बात को मैंने कहा कि संख्या बल के आधार पर नहीं, पर एक ऐसी पार्टी जिसके पास 6% का मत है, 15-25 लाख से ज्यादा लोगों ने जिस पार्टी पर अपना विश्वास जताया, नैतिकता भी एक आधार होता है। संख्या बल में शायद हार जीत में हम लोग शायद कोई बड़ा योगदान नहीं दे पाए, पर उसमें समर्थन हम लोग का जरूर रहेगा। अभी चूंकि एक एक वोट की कीमत काफी ज्यादा है राष्ट्रपति के चुनाव में और एक वोट को लेकर सियासत हो रही है, तो चिराग पासवान का वोट भी उतना ही अहमियत रखता है। जी बिल्कुल, एनडीए के प्रति आपकी राय क्या है अगर एनडीए अपना उम्मीदवार? नहीं देखिए, जैसा मैंने कहा, मैं अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कार्यशैली को देखेंगे, उन्होंने हमेशा मुद्दों के आधार पर उनकी राजनीति रही। जिस मुद्दे के साथ उन्होंने उनके विचार मिले, उनके सिद्धांत मिले, हमेशा उन्होंने उन मुद्दों को उन्होंने प्राथमिकता दी। 2014 में जब एनडीए गठबंधन का भी हम लोग हिस्सा बने, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये इशू बेस्ड अलायंस है, नीतियों के आधार पर होने वाला ये अलायंस है। ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें आप देश के राष्ट्रपति को आप चुन रहे हैं। मैं सिर्फ आंख मूंद के मैं बोल दूँ कि मैं एनडीए के साथ जाऊंगा या मैं यूपीए के साथ जाऊंगा, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि देश के राष्ट्रपति के चयन की बात हो रही है। एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आना चाहिए, एक ऐसे व्यक्ति का चयन होना चाहिए जो देश हित में राष्ट्रपति मां महिम के पद पर बैठकर फैसले ले। सर्वसम्मति का राष्ट्रपति तो होना चाहिए, एक इतिहास भी बनना चाहिए, इसके पक्ष में है क्या? नहीं बिल्कुल, एक संयुक्त अगर उम्मीदवार का चयन हो, इससे खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें जब अब्दुल कलाम आज़ाद जी जब राष्ट्रपति बने थे, तो हम लोग चाहते हैं भैया कि अगर कोई संयुक्त उम्मीदवार ऐसा आता है जिसमें सत्ता पक्ष की भी सहमति हो और विपक्ष की भी सहमति हो, दोनों की सहमति से अगर मां महिम बिना चुनाव के अगर उनका चयन होता है, तो इससे खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता।